रहा है। दूसरा वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रेकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के कॉल और अंकी मैं सिंह में आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदुस्तान को आजाद हुए एक अच्छा खासा वक्त हो चुका है और आज हर क्षेत्र में औरतें अपनी सूझबूझ से मेहनत से अपना एक अलग मुकाम बना रही हैं। लेकिन एक सर्वे में आई रिपोर्ट ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि युग रत्न के बाद भी 40-60% कामकाजी महिला को अपने कार्यस्थल पर यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कई बार नौकरी खो देने या प्रमोशन न मिल पाने के डर से वे इस तरह की हिंसा चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। इसे सबको देखते हुए कैबिनेट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। क्या खास बदलाव की बात है इस बिल में और क्या सोच है आम आदमी की इस विषय पर, अस्मिता के आज के अंक में जानने की कोशिश। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करें, वो सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है सौम्या भानु, आप एडवोकेट हैं और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च सेंटर से आप आते हैं। स्वागत है सौम्या अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है किरण झा ठाकुर, आप काउंसलर हैं और दिल्ली महिला आयोग से आपका ताल्लुक है। स्वागत है किरण जी अस्मिता। हमारे साथ है अल्बिना शकीम, आप कार्यकर्ता हैं, एडवा से आपका ताल्लुक है। स्वागत है अल्बिना अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है सुमन मालवा, आप एडिशनल डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस से आपका ताल्लुक है। स्वागत है सुमन जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है सीमा भाटिया, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मिल्जन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है आपका सीमा जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ एमबीए स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के कुछ जुझारू स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो समारोह का दौर जारी रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत खुशामदी। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। 50 साल पहले की तुलना में आज औरत कहीं अधिक दिखाई और सुनाई देती है। आज की महिला ने सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिर भी गाहे बगाहे कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण और उत्पीड़न से उसके कदम झटके भी हैं। किसी भी तरह का अप्रिय व्यवहार जो एक महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाता है, चाहे वो मानसिक शोषण से जुड़ा हो या फिर शारीरिक और यौन शोषण से जुड़ा हो, यौनाचार की पेशकश से लेकर यौन टिप्पणियां, अश्लीलता और मौखिक अपशब्द तक भी इसमें शामिल है। औरतों के साथ होने वाले हिंसा को एक अपराध के रूप में पहचान सबसे पहले 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान केस में मिली। इस केस की सुनवाई के दौरान ये समस्या एक मुद्दे के रूप में उभरी और तब से लेकर आज तक यदा कदा कानून, सेमिनार, जलसे, आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पर अब नए विधेयक के आने के बाद कुछ हद तक इस पर लगाम लगने की उम्मीद की जा सकती है। विधेयक आने के बावजूद सबसे जरूरी होगा कि समाज और उसमें रहने वाले वो लोग अपनी सोच बदलें। औरत को सिर्फ उपभोग की वस्तु मानने वाली सोच त्यागनी पड़ेगी। इसके स्थान पर औरत के अस्तित्व और अस्मिता का सम्मान करने की सोच अपनानी होगी। अस्मिता के लिए प्रियमरा, लोकसभा के लिए। हमारी खास रिपोर्ट जो आप सभी देखी। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे, अब तक काफी सारे फैसले आए हैं, बहुत से केसेस सुनने में आते हैं, अगर हम यौन हिंसा की बात करते हैं, खासकर वर्क प्लेस पे बात करते हैं, जो ये नया बिल लाने की सोची जा रही है, क्या खास बदलाव आपको इसमें लगता है या इसके आने से क्या खास बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? जैसे कि आपने खुद अपने शुरुआत के स्टेटमेंट में बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रतिशत हैं, 40 से 50, इसे समझ में आता है कि केसेस काफी हैं और रिड्रेसल कुछ जगह नहीं है, वही केवल जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था। तो पहला तो ये है कि ये एक हमें फ्रेमवर्क देता है, ये विधि, कि किस प्रकार से अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार का यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा हो, वो क्या कर सकती है, वो कहाँ जा सकती है। तो इस कानून में जो विशेष बातें बताई गई हैं, एक तो ये है कि डिफाइन किया गया है कि केवल ये कार्यस्थल
केवल ऑफिसर्स या जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर से ही संबंधित नहीं है, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी शामिल किया गया है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है। दूसरा है कि इसके लिए एक कमेटी की बात की गई है। अभी तक जो हुआ है सब अपने अपने हिसाब से कमिटीज की गठन किया गया है, तो अब उसमें विधि के रूप में कमिटीज बना दी गई है। तो हर एक को, हर एक सेक्टर को अपना अपना इस प्रकार का कमेटी का गठन करना है। साथ में ये भी बताया कि जहां पे भी कमिटीज नहीं बन पा रही है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडीएम को ये पावर दिया गया कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स नियुक्त करें जिसके माध्यम से लोकल कमिटीज तैयार की जाएगी। तो ये समझ सकते हैं कि जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं तो वो इस लोकल कमेटी के पास जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरनल कमेटी का शायद गठन होना मुश्किल होगा। दूसरा है कि प्रोसेस बताया गया है कि इंक्वायरी कैसी होगी, इंक्वायरी का टाइम लिमिट क्या है, और इंक्वायरी कमेटी में जो भी लोग होंगे वो किस प्रकार से इस पूरे अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्टेड होता है उनके पास तो वो कैसे उसका हल कर सकते हैं। एक बात जो आपको अहम जो मुझे समझ में आई कि इसमें एक टाइम पीरियड निश्चित किया गया है, केसेस बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, तुरंत की तुरंत कार्रवाई होगी। दिल्ली महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग या महिला आयोग की हम बात करें, काफी काम कर रहे हैं किरण जी, इस पर खास भूमिका नहीं है, आपको क्या लगता है कितना खास है ये? देखिए, जहां तक एक जो धारा इसमें जोड़ा गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, मैं उसके लिए कमेटी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ऊपर तक जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है वहां की बातें तो फिर भी लोग वहां के जो एम्प्लॉई पहुंचा देते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जहां पे इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां उनको पता ही नहीं होता है वो कहां जाए, उनको मुख्य धारा में रखा नहीं जाता है। तो इस बिल में इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो ऐड किया गया है ये हमें लगता है ये बहुत बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जिन्हें कानून का कुछ भी पता नहीं होता है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो अपनी सहायता के लिए कहां जाए। तो ये इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कमेटी को कि उन्होंने उन बच्चों को, उन बच्चियों को इस धारा में जोड़ा है। अंबिका, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम इस खास बिल की बात करते हैं? मैं कहूंगी कि 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया था कि हर कार्य क्षेत्र में, हर कार्यस्थल में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कमेटी बननी चाहिए। तो महिला आंदोलन की तरफ से तब से, उससे पहले से भी ये मांग है कि इसकी जरूरत है। और पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो एयरलाइंस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात सामने आई, हॉकी टीम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात सामने आई, यानी अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं, डोमेस्टिक वर्कर के साथ रेप, बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस कानून की जरूरत बहुत ज्यादा है। इससे पहले तक इस कानून के अभाव में जो होता रहा है कि जितना ज्यादा, क्योंकि सालों से महिलाएं, सदियों से घर के अंदर बंद है, आज जब महिलाएं काम करने या पढ़ने लिखने बाहर निकल रही हैं तो बाहर एक भी घटना घटने से तुरंत सामाजिक असर ये होता है कि फिर घर के अंदर बंद रहो, संभल के रहो, इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। और ऐसे में अभी तक कानून के अभाव में तरीका यह रहा है कि या तो महिलाओं को बताया जाए कि भाई आप अपने ऊपर कुछ पाबंदियां रखिए, ऐसे पहनिएगा मत, इस समय निकलिएगा मत, यहाँ जाइए मत, ऐसे बोलिए मत, तो आप सुरक्षित रहेंगे। या दूसरा तरीका यह रहा है कि तमाम महिलाएं सेल्फ डिफेंस क्लासेस लें, सब जूडो कराटे सीखें, मगर सब जानते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, उसमें ऐसा सोल्यूशन काम नहीं करता कि कोई आपके साथ कोई गलत काम करे और आप एक कराटे चॉप से उसका जवाब दें, वो काम नहीं करता। तो जरूरत इसी चीज की थी कि कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये जिम्मेदारी आए कि यदि आपके दायरे में महिलाएं आ रही हैं तो वो सुरक्षा उनको मिले कि वो फ्रीली बिना किसी डर के, बिना किसी होस्टिलिटी के वहां काम कर पाए, उसको सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा। तो फाइनली जब कैबिनेट ने एक बिल पारित किया है, अभी हमको सबको पता नहीं, वो टेबल जब किया जाएगा तो सबको पता चलेगा कि उसका असली स्वरूप क्या है, परंतु ये बहुत स्वागत की चीज है क्योंकि इससे जरूर ये तय होगा कि कितनी संख्या में और महिलाएं काम करने के लिए या अपनी पढ़ाई के अधिकार के लिए घर से बाहर निकल पाएंगे। सुमन जी, अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें, अमूमन इस तरह की जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे बहुत से लोगों का ये व्यू रहा है, लोगों का कहना रहा है कि अलबत्ता
रिपोर्टिंग होती है और जहाँ कहीं भी रिपोर्टिंग होती है वहाँ न्याय मिलने में या इंसाफ मिलने में कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि थक हार के वो खुद ब खुद जो शिकायत करता होता है कंप्लेंट वापस ले लेता है। इस बिल में जो समय अवधि डिसाइड की गई है उससे कितना कुछ बदलाव आपको लगता है? There will definitely be a change, लेकिन अगर हम रिपोर्टिंग की पुलिस को बात करें कि पुलिस डिपार्टमेंट को इट कम्स ओनली जब वो इंडियन पीनल कोड के अंडर इट्स एन ऑफेंस, लेकिन जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें उसकी डेफिनेशन इज सो वाइड दैट वो इंडियन पीनल कोड में कवर नहीं होती है टिल इट रीचेस अ स्टेज जहां पर हमारा पीनल कोड या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है व्हेन इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग। तो वो काफी लेटेस्ट स्टेज होती है, इनिशियल है, जैसे उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को जो डिफाइन किया गया जेस्चर्स हैं उसमें इंटेंट की बात की गई, इंटेंशन ना भी हो तब भी द विक्टिम इज फीलिंग दैट शी इज बीइंग हैरेस्ड उसको ही सफिशिएंट माना गया है। सो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है टिल दे राइज टू अ लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी। तो हमारे पास पुलिस के पास रिपोर्टिंग बहुत कम है इन केसेस की बिकॉज हमारे पढ़ने में नहीं आते बहुत सारे ऐसी चीजें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में अदरवाइज कवर होती है। बट अदरवाइज ऑल्सो विद इन द डिपार्टमेंट भी अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग इज मिनिमल। आई टॉक हम अगर किसी से बात करते हैं अपने कोलीग से भी है रेगुलर इंटरेक्शन भी है हमारी कमेटी है तो उसमें भी यही आता है कि यू नो विसल ब्लोवर होना एम आई रेडी टू डू दैट एक ये बहुत बड़ा सवाल होता है किसी महिला के लिए क्योंकि यहां से मैं हूं फिर देन एवरीबडी विल नो कि ये तो शिकायती टाइप की है या उससे पहले भूमिका बन जाती है कि क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एज इट इज बहुत क्लोज है एंड द काइंड ऑफ वर्किंग एटमॉस्फेयर हमारा है 24/7 तो उसमें क्विड प्रो क्वो एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और वो उसका बहुत स्कोप रहता है लेकिन उसमें है कि अगर मैं कंप्लेंट कर दूं ये शिकायती है या ये काम नहीं करना चाहती है सो इंस्टेंटली वुमेन पुलिस ऑफिसर्स के लिए या सब ऑर्डिनेट्स के लिए दो चीजें सामने आती हैं सो विच आई थिंक कैन हैपन इन एनी डिपार्टमेंट। और अब जैसे प्रोफाइल बढ़ रहा है वुमेन का नाउ दे आर इन ऑल फील्ड्स यू गो टू BPO सेक्टर ग्रेवयार्ड शिफ्ट या वर्किंग राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम है जहां पर वो पीछे नहीं है आई मीन लुक एट एनी फील्ड तो वहां पर ये आई मीन एंटरिंग इट तो कर रहे हैं तो काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर फिर एक लेबलिंग हो जाना एंड देन इफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर प्राइवेट सेक्टर में क्या मुश्किल है देन यू नीड रेफरेंसेस ये तो कंप्लेंट है हाउ डू यू गेट इट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट साइकोलॉजिकली इमोशनली फैमिली का सपोर्ट होना कि इफ यू आर कंप्लेनिंग इफ यू प्रोटेस्टिंग हाउ टू गो अबाउट इट इट कैन बी वेरी डाउंटिंग टास्क। सीमा उपाध्याय इस बारे में और आगे हमें बताएंगी। बहुत से लोगों का कहना है कि जो स्त्री की हरकतें करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं जी ये करते हैं और औरत के लिए अमूमन ये कहा जाता है कि या ऐसा सोच है लोगों की कि इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि ये खामोश रहेगी बदनामी की डर से चुप रहेगी। पहली बात कि सुरक्षा जो हम मैस्लो की हायरार्की कहते हैं आप एमबीए स्टूडेंट्स हैं तो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं उसमें सिक्योरिटी कहाँ आती है? एक हाई नीड है ठीक है कि खाने पीने नौकरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट सुरक्षा है ठीक है तो सुरक्षा नहीं मिलेगी तो क्रिएटिविटी नहीं होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे हम मोक्ष कहते हैं कि हम अब कुछ पा गए हैं ऐसी कुछ हमारे पास नहीं होगी तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी इंसान को औरत को भी सुरक्षा मिले। दूसरी चीज किस तरह के लोग ऐसा करते हैं क्या वो मानसिक क्या वो उनकी मानसिकता में कोई प्रॉब्लम है परेशानी है मेंटली इल है क्या वो लोग? अमेरिका में ये बिल बहुत पहले पास हो गया था फिर भी आज तक ऐसे केसेस हो ही रहे हैं तो ये हमारी मानसिकता है ये आदमी की मानसिकता है जहां वो ये समझता है कि ये मेरा टेरिटरी है ये तो मेरा काम की जगह है वो वहां पर औरत को काम नहीं करने देगा उसकी ये मानसिकता आप ये देखते हैं कि बीपीओ में काफी प्रॉब्लम हो रही है आजकल किसलिए क्योंकि रात को तो औरतों को बाहर निकलना नहीं चाहिए था जब वो रात को बाहर निकलती है तो आदमी को वो टिटमिट करता है वो उसको तंग करना चाहता है तो उसको भगाना चाहता आपको है आपको ये लगता है ये जो पुरुषात्मक सोच है इसको बदलना होगा तब जाए एक चीज है दिस इज वन एरिया। दूसरा ये अगर एक ऐसी घर में जन्मा है जहां पर आदमी औरत को तंग करता ही है तो वह बाहर जाके भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पाता वो सोचता है मेरा हक है या यही सही है उसको ये समझ भी नहीं पाता है कि ये गलत है व्यवहार। तीसरी चीज
जिस चीज को औरत सेक्सुअल हैरेसमेंट मानती है उसको आदमी नहीं मानता। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। संविधान द्वारा जीने का अधिकार हर भारतीय को प्राप्त है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है तो ये महसूस होना लाजमी है कि संसद से लेकर सड़क तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराती औरत के लिए अभी तक उसकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन विधेयक में 50,000 का जुर्माना और कहीं न कहीं महिला उपभोक्ता प्रशिक्षु दैनिक और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है। इसके बावजूद क्या ये विधेयक अपने आप में संपूर्ण होगा, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिएगा अस्मिता के साथ। कहीं न कहीं आपसे ऊपर जो आपका बॉस है वो आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ज्यादा करता है। इस मजबूरी को आप एक छोटी दबाव की दृष्टि से देखते हैं तो फिर उनके लिए वहीं पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम चाहो ना चाहो, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसीलिए आके मेरे साथ पोर्नोग्राफी देखो, या आओ मैं तुम्हें एक नॉनवेज जोक सुनाता हूँ।